कितने बजे घुसे, ओकर बाद में आई से फिर मोबाइल ले ली, फिर 9 बजे घुसे। आओ ना हां नीचे वाला वो सब की रुकी फटो तुम बाबू तू हज तो फटे आवई तो। हेलो दोस्तों, जो भी लाइफ पे जुड़ रहे हैं उस सभी को आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस चीज़ पे वर्क कर रहा था, बहुत से इस पर मैं इस पर वर्क किया, उसके बाद ये मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ खास नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया भी, मैंने भी एक ट्राई किया बनाने का कोशिश, तो वही मैं आज बजा के आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये कीबोर्ड वाली है ऑक्टापेड, जो मैंने खुद से इसको बनाया है, और ये बिल्कुल बेहतरीन काम करता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मैंने मोबाइल में USB लगाया है और USB थ्रू ये बज रहा है, और मैं आपको एक पैच बजा के सुनाता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन बजती है ये। और उसके बाद मैं आपको सेकेंड पैच बजा के सुनाता हूँ, जो कि मैंने अपलोड किया था, ये CG का पैच है। ठीक है, एक CG का पैच आपको बजा के सुनाता हूँ। वो थोड़ा USB डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करें फ्रेंड। ठीक है ना, चूँकि मेरा USB का पोर्ट जो है वो थोड़ा ढीला है, इसको छोड़ दो बाबू, इसको कुछ घर में बच्चे भी हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरे USB का पोर्ट जो है वो थोड़ा ढीला है, ठीक है ना, तो आप लोग घबराएं नहीं, ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। और ये थोड़ी अच्छी तरह से लग जाए, बहुत परेशानी होती है मेरे USB में, प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और एक बार जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर कनेक्ट करने में बहुत परेशानी होती है, थोड़ा वेट करें। ठीक है, मैंने अभी थोड़ा बजा के आपको सुनाया, और फिर से कनेक्ट हो जा, कनेक्ट हो जा, ये इतना ढीला है ना, कनेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि टाइप सी वाले मोबाइल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी तो पुरानी मोबाइल है टाइप बी वाले में, इसलिए इसमें OTG लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप कि हो गया होगा शायद, लेकिन नहीं हुआ, बहुत परेशानी होती है एक बार डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद। आखिर ये डिस्कनेक्ट हो गई, बज क्यों नहीं रही। थोड़ा इधर दिखाना, कमेंट पढ़ लेते हैं दो चार, लाइव पे 14 जुड़े हुए हैं कमेंट, गुड, बहुत बढ़िया भाई। और थोड़ा कैमरे को अपनी तरफ घुमा लेता हूँ, और भी कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, तब तक मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट करने में। कनेक्ट हो गई, आलोक देव हाय, हेलो भाई आलोक जी, मैंने स्टिक नहीं बनाया, ठीक है ना, कैसे बनाए हैं, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़, ये एक ऑक्टापेड है, ठीक है ना, जो मैंने बनाया है।
चलिए कनेक्ट हो गई। और आपको थोड़ा फिर से बजा के सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फिर से आपको बजा के सुनाता हूँ, ठीक है। एक मीडी ऑक्टापैड है, ठीक है, जैसे कि ये मोबाइल से कनेक्ट होकर बजता है। और इसमें हम फिर से दूसरा पैच चेंज कर रहे हैं, और ये होली है शायद इसका पैच, नहीं होली होली पैच होली है। मैंने होली पैच बजा के सुनाया, ठीक है, और एक और फिर दूसरा पैच मैं बजा के सुनाता हूँ। बहुत सारे पैच मैंने बना रखे हैं, अगर पैच लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, ठीक है, कुछ चार्ज लेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल ओरिजिनल पैच मिलेंगे। वो थोड़ा फंसता है यहाँ पे, मैं इस हैंड पे प्रैक्टिस ही कर रहा था, ठीक है, इस पे मेरा पूरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, फिर भी मैंने आपको बजा के सुनाया है, ठीक है। और फिर दूसरा पैच में सुना रहा हूँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। ठीक है, एक और भी पैच सुनाते हैं आपको, ताकि मैं आप लोग संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल रियल है, मैं ये डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पैच चाहिए तो ये सब पैच मैंने अभी नहीं डाला है यूट्यूब पे, ठीक है, और आज ही एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें ये पैच मैंने बजाया था, ठीक है, ये वाला। ये फिर से डिसकनेक्ट हो गई USB, मेरे में ज़्यादा प्रॉब्लम है USB डिसकनेक्टिंग का, ठीक है दोस्तों, इसलिए आप ये नहीं समझिएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये डिसकनेक्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आपका टाइप सी पोर्ट है तो उसमें नहीं होगा, ये मेरे टाइप बी है, इसका मेरा पिन जो है वो ढीला हो गया है, चार्जिंग पिन, इसलिए इसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
ये वीडियो मैंने डाला था आज सुबह में ही। अब मैं थोड़ा इसको आपको हैंड से बजा के सुना देता हूँ, ठीक है ना। और ये हैंड से ही बजती है। डिले आ रही है, वो नीचे मेरा अर्थ ले रहा है, इसलिए इस तरह से आ रही है, ठीक है, ऐसे नहीं आती, ठीक है। चलिए अब मैं अगर इसको एक हैंड से पकड़ता अर्थ ले रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। खैर इसको प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ठीक है। जब आप बजाओगे आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। एक मैं आपको और सुनाता हूँ कुछ पैच। चलिए दोस्तों मैं आपको डफली बजा के सुनाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। फिर ये मेरा केबल डिस्कनेक्ट हो गया, ये बहुत सॉरी दोस्तों। ये मैं इसको कनेक्ट कर लूँ। चलिए कनेक्ट हो गया इसमें। तो आपको डफी बजा और एक दो पैच और देख लेते हैं। ये तो डफ है चौगुन का। ये इसको मैंने दोगुन के लिए बनाया था। चलिए दोस्तों और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यूएसबी कनेक्ट करके आपको मोबाइल में बजा के सुनाया। और ये है मेरा मोबाइल और यहाँ से है ये मेरा यूएसबी कनेक्ट। और ये है मेरा पैड, ठीक है, जिसको मैंने बनाया है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। और ये इस पे मेटल का यूज़ मैंने किया है, ऐसा मेटल है जो इसमें कभी आपको जंग नहीं लगेगी और एकदम प्रॉपर। अगर एक बार इसको आप परचेज करते हैं तो ये सब दिन चलते रहेगी, ठीक है ना। अरे भाई इतना मेहनत करके 25 लाइक पे जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक लाइक सिर्फ 9 ही पूरे हैं यार। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने मिक्सर मशीन वगैरह सब लगा रखी है और मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो यहाँ पे कॉलर माइक यूज करके। भाई 25 लाइक पे हो, कम से कम 25 लाइक तो बनता है यार, लाइक के लिए भी कहना पड़ेगा। आप लोग मेहनत की कदर नहीं करते हो यार, क्या भाई पूरा। चलिए अब कुछ हम कमेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, अब इसको हम बंद करते हैं।
मैंने यहाँ से बेसिकली सेटअप बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब छत पे जाते हैं और कुछ बैठ के दो चार बातें करते हैं, कुछ कमेंट पढ़ते हैं। 28 लाख के हैं। चलिए दो चार कमेंट देख लेते हैं। मैंने तो उस टाइम से एक भी कमेंट नहीं देखी। डीजे डीजे महारफ संगीला गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत वहाँ खड़े नाइस। आलोक देव हाय हेलो भाई, एम के म्यूजिक एंड मोबाइल ऑक्टोपेड कैसे बना है, कैसे बना है, क्या चीज़ है ये? एक ऑक्टोपेड है, ठीक है, और इसको आप स्टिक से बजा सकते हैं, ठीक है। प्रीत नाइस भाई, 2 मिनट का इंस्ट्रूमेंटल बजाकर HD क्वालिटी में अपलोड करो प्लीज़। मैं DJ मुशरफ रंगीला, ठीक है भाई। मैं इंस्ट्रूमेंटल, देखो भाई इंस्ट्रूमेंटल तो मैं बजा के डालूंगा ही। अभी जो मेरे साथ इंस्ट्रूमेंटल बजाते, मैं तो पैड बजाता हूँ या नहीं तो सैम्पलर बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, ठीक है। बस इतना ही चीज़, बस मैं कीबोर्ड बजाने के लिए नहीं जानता हूँ, तो वो मेरा फ्रेंड है वही बजाता है कीबोर्ड। तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अपने घर पे है, वहाँ जाएंगे तो हम आपको इंस्ट्रूमेंटल बजा के डालेंगे। और बहुत बहुत एकदम धांसू धांसू इंस्ट्रूमेंटल आएगा, जो आप कहीं भी जाए तो आप जागरण प्रोग्राम के लिए अलग बनाएंगे, मतलब सब टाइप का बनाएंगे, ठीक है। भोजपुरी का भी, हिंदी का भी, भक्ति का भी, सब टाइप का इंस्ट्रूमेंटल बनाएंगे। आलोक देव बजाइए, बताना प्लीज़, हम भी बनाएंगे, ठीक है भाई, क्यों नहीं, ज़रूर। उमा गुप्ता हाय सर, हेलो उमा जी। आलोक देव भाई कैसे बनाए आपने? भाई मैंने तो बनाया, बहुत मेहनत किया उसके बाद मैंने बनाया इसको। सर जी मॉडिफाइड कर दिया आपने? नहीं नहीं मैंने मॉडिफाइड नहीं किया, वो दूसरा वाला, उसका डिस्क तो मैंने खोल के अंदर बक्से में बंद कर दिया, वो जो रबर सीट वाला दिखाया था उसमें बहुत से प्रॉब्लम आ रही थी, उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। IK यूट्यूबर लवर कैसे बनाए हो भाई? भाई कैसे बनाए हो उसको? तो मैंने बनाया बहुत मेहनत से, YouTube के भी हेल्प लिए बहुत से, मैंने YouTube वीडियो देखे और इस पर मैं बहुत दिन से वर्क कर रहा था, ठीक है। कटर मशीन वगैरह सारी चीज़ खरीद करके बनाया। हेलो सर सोनूपुरी हाय, हेलो हेलो। अरे सर इसका बनाने का ट्यूटोरियल वीडियो कब बनाओगे? भाई इसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, ट्यूटोरियल इसको नहीं मिलेगा, मेरा कीबोर्ड से नहीं बन रहा है। सर ये कीबोर्ड वाला है क्या? हाँ प्रजापति व्लॉग्स, हाँ भाई ये कीबोर्ड वाला है। तो केशव यादव कहाँ से हैं भाई? मैं बिहार से हूँ। टेक्नीशियन सर कैसे बनाया प्लीज़ बताइए, ये परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो केशव यादव, मैं तो केशव यादव हूँ, ठीक है भाई। क्या बजा रहे? ऑक्टोपेड बजा रहे थे, ऑक्टोपेड क्लास गया है? नहीं भाई मैंने कभी ऑक्टोपेड का क्लास नहीं गया। महेश चौहान बढ़िया कुछ भी, क्या भाई पूरा क्यों, क्या बजा रहा है बच्चे? बहुत अच्छा है ये, क्या है भाई भारत ब्लॉग, रोने जैसा क्यों स्टिकर अप कर रहे हो? नितिन निषाद की हो, क्या हाल है नीतीश, नीतीश बोलते हैं नितिन। अरे भाई वाह, याद तो नहीं करता है, फोन उन नहीं करता है नितिन भाई, हमारे साथी है। क्या हो रहा है, क्या होगा, देख रहा है बैठे बैठे ऑक्टोपेड बना रहे हैं। तुमसे अच्छा बजता हूँ यार, तुमसे अच्छा बजाता हूँ यार। ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सबको दो हैंड दिए हैं, जैसे हैंड को बजाओगे वैसे होगी, सब मेहनत करने के ऊपर होता है। अच्छा अच्छी बात है बजाते हैं। भारत कैसे हो? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बजाओ जल्दी हम लोग के लिए पैड बनाइए सर। बिशू ट्यूब ग्रेट टैलेंट यू हैव, ऐसी कोई बात नहीं भाई, टैलेंट क्या है, सब मेहनत के ऊपर है, आप मेहनत करोगे आप भी बनाओगे। सफाई दो भाई अपना बजाने में, ठीक है भाई। सफाई देखो मैंने, तो केशव यादव बहुत अच्छा बात है, आपने कहा कि आपसे अच्छा बजाते हैं, ठीक है आप अच्छा बजाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपने भर तो प्रयास करता हूँ अच्छा बजाऊँ, लेकिन मेरी कुछ खास प्रैक्टिस नहीं है ऑक्टोपेड पे, और मैं मोबाइल में ही ऑक्टोपेड बजाने सीखा। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी ऑक्टोपेड का क्लास तक करने नहीं गया, और जो है खुद का सेल्फ है, म्यूजिक को अपना स्पीड कम करो, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड कम करो सब होगा, सब कमांड होगा, ठीक है। अभी तो ये बड़ी स्टिक वाली तो आज बनाया ही है, बनाने के
मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले इसको बनाया, 10-15 मिनट पहले इसको अच्छी तरह से मैंने चेक कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा था। मैंने सोचा कि चलिए यूट्यूब पे थोड़ा लाइव कर देते हैं, स्पीड कम करो। हाँ भाई होगा, सबका स्पीड कम होगा, बजाने के ऊपर है। भाई आप कहाँ से हो? बिहार से हूँ। प्ले ए बीट बढ़िया है, अपना बोलिए आप। कितने पैसे तक कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट भाई ये तो मैं कह नहीं सकता, वो बिल्ड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है, वो जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो बिल्कुल ये ऑक्टापेड की तरह साइज की तरह ये दिखेगा, ठीक है? बिल्कुल ऑक्टापेड की तरह बताऊंगा। अजीत एलईडी बोले भैया लकड़ी का स्टिक से बजाकर बताइए। हाँ हम लकड़ी का स्टिक से ही बजाए थे। वो मेन बात है कि वो लकड़ी का जो स्टिक है उसमें हमको सिल्वर रोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा ये नहीं बजेगा। और जो हम कल लाइव में दिखाए थे रबर सीट वाले, वो स्टिक से बजेगा, ठीक है? तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सेंसर लगा होता है तो उसका कोडिंग वोडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ज़ोर से बीट करते हैं तो 2-4 बार आवाज़ निकल जाती है, तो वो चीज़ इसमें कमियाँ दूर करनी पड़ेगी, ठीक है? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। कीबोर्ड वाले अगर कोई परचेज हमसे करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क करें, मैं उसको दूंगा, उसके लिए कुछ कॉस्ट देने होंगे, ठीक है? मेरी बात सुनो। बोलो भाई क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी आगे जाने के लिए कुछ करना पड़ता है भाई। हाँ वो तो है, आगे जाने के लिए तो ज़रूर कुछ करना पड़ता है, बिना मेहनत के थोड़ी कुछ होता है। सर ये कौन से कीबोर्ड से बनाए हो? भाई कोई भी कीबोर्ड से बना सकते हो, मैंने तो इंटेक्स की कीबोर्ड से बनाया है, अब ज़रूरी नहीं, ठीक है? कहाँ आया? अंदर से। किसको खोज रहा है? तेरा बुला दे। नाइस, चलते रहो भैया। एके भाई अनिश यादव, सचिन भैया छुप गए, सारे नज़ारे का पैच का लिंक चाहिए भैया। ओके भाई हमसे कांटेक्ट करो, मिल जाएगी। आप बहुत अच्छे हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं, हर लोग अच्छा होता है, ठीक है? हर लोग में दो दो खामियां होती हैं। भारत वगैरह क्या भाई, क्यों रो रहे हो भाई? भरत वगैरह क्यों रो रहे हो भाई? भरत वगैरह कभी फ्रेंडशिप दिखाते हो, कभी रो रहे हो। तो किशोर यादव, ओ भाई 7-8 शो तक बन जाता है बड़े भैया, 7-800 तक नहीं, 7-800 तक नहीं बनेगी, क्योंकि प्लाईवुड कीमती होती है, तो आप उसका अगर बिल्ड उसमें वो मेटल यूज हुआ है, नहीं 7-800 तक कहाँ से कंप्लीट होने वाली है, 7-800 तक नहीं बनेगी। हाँ टेम्पोररी बना सकते हो, बहुत से यूट्यूब पे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने बना बना के डाला है। बता दो ना सर पैच मिलेगा क्या? हाँ भाई ज़रूर मिलेगा, कॉन्टैक्ट करो नेहा मोबाइल ऑक्टा पैड, बता दो ना जी। तो किशोर यादव क्या बता दे भाई, आप बिहार में कहाँ से हो टैलेंटेड मैन? भाई मैं बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा प्रॉपर घर है, बट मैं समस्तीपुर से नहीं हूँ अभी, मैं दूसरे जगह रहता हूँ पढ़ाई करता हूँ। सुनो डीजे हाय अजीत एलईडी कैसे हो, मेरा नाम दो। हाँ भाई भरत बाघेल बोलो ना भाई, आई लव सर अरुण स्पीडी 30। क्या अरुण भाई, लव यू टू अरुण भाई। तो किशोर यादव नहीं हो जाता है जी, ठीक है आप देखो बना करके, हो जाता होगा। तो किशोर यादव जी आप बोल रहे हैं सबका अपना बनाने का ढंग होता है, मेरे तो बहुत कॉस्ट लग गए हैं, ऐसा नहीं है मैंने उसको बनाने फिर कटिंग करने के लिए मैंने तो वो ग्राइंडर कटर मशीन जो होता है वो मैंने खरीद के ले आया है, तो मुझे तो ज़्यादा खर्च हो गए इसमें, कुछ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पड़े। हो जाएगा सबके अपने बजट के ऊपर, जैसा मटेरियल यूज कीजिएगा उसमें उस तरह से आपकी, मैंने जो बनाया है उसका हम मतलब मेरे अंदाज़ से लगता है इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसमें जंग नहीं लगेगी, बहुत सी इसमें खासियत है। कभी कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है इसलिए अपना नंबर दीजिए। कभी कभी आपको क्या भाई, क्या हेल्प बताओ भाई, मैं खुद बनाया हूँ भाई जी। ओके भाई बहुत अच्छी बात है, आपने खुद बनाया है, मैं जानता हूँ आपने जो यूज किया होगा सिल्वर रोल यूज किया होगा, बट मैंने सिल्वर रोल नहीं यूज किया, ठीक है? मुझे बात करो भरत भागेल। हाँ बोलो भाई, ठीक है करिए फ्रेंड से बात, बाद में कॉल करते हैं।
ठीक है नितिन, करो बाद में कॉल यार। बोले भैया हम तो रोलैंड बजाते हैं, 30 लकड़ी से ही बजाते हैं, तो हमें लगे यही वाला चाहिए, तो वह बनाकर तैयार कीजिए भैया, हमें एक चाहिए। ठीक है, आपने ऑर्डर आ गया है एक अजीत LED 30। ठीक है, अगर अगर आप 30 बजाते हैं तो जो भी ओरिजिनल ऑक्टापेड बजाते हैं उसके लिए मैं एक और चीज़ बजाने जा मतलब बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। एक ऑक्टापेड भी बनाऊँगा और उस ऑक्टापेड में ऐसे सिस्टम में रखूँगा कि आप मोबाइल से MIDI कनेक्ट करके भी बजा सकते हो, या नहीं तो उसके 8 पैड में से आप किसी को भी चाहे तो आप ट्रिगर के रूप में आप अपने ओरिजिनल ऑक्टापेड में आप उसको यूज कर सकते हो। उस टाइप से मैं बनाऊँगा, ठीक है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ फिलहाल। तो 2-3 दिन से उसको मतलब कल लाइव दिखाने के बाद उसको टच भी नहीं किया, उसमें इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, 6-7 महीने से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो रहा। हाँ, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अपना अपना टैलेंट है भाई। ठीक कहा भाई, अपना अपना टैलेंट है भाई। भरत वाघेल कौन सी लैंग्वेज लिखे हो भाई, नहीं समझ में आ रहा है सर जी, एकदम झक्कास बज रहा है, मस्त मस्त ना, मज़ा आ गया। अरुण भाई आपसे तो कम ही बेटर बजाते हैं, तो कैसे मेरे को खरीदना है भाई, प्लीज़ बताओ क्या करूं। राकेश परसार भाई, ख़रीदना चाहते हो तो हमसे संपर्क करो, कांटेक्ट करो, ठीक है, उसके लिए कुछ कॉस्ट लगेंगे, ठीक है, मैंने चार्ज लिखा है। अब ये नहीं कि मैं बताने का चार्ज, ठीक है, आपको बताने बताने का कुछ नहीं, आप पैसे दो, अपना ऑक्टापेड बनवाओ और आराम से ले जाओ, ठीक है, या ले नहीं जाए तो आपको अगर अगर कुरियर सर्विस होगा तो कुरियर कर दूंगा आपके एड्रेस पे, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आपके एड्रेस पे कुरियर हो जाएगा, आपको वहाँ पे पहुँच जाएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद हमसे एक बार आप वीडियो कॉल बात करोगे, मैं नंबर दूंगा और उसके बाद मैं वहाँ पे वो सेटिंग बता दूंगा, आप एक बार वो सेटिंग कर लोगे आप जान जाओगे कि जस्ट जैसे ही आपने OTG लगाया, वो थोड़ी सी 2 मिनट का सेटिंग, 1 मिनट, 1 मिनट मुश्किल से टाइम लगता है, 1 मिनट वो सेटिंग लगेगा और 1 मिनट में सेटिंग कर दोगे, उसके बाद वो जो पहले फिक्स हो जाएगा उसमें, उसके बाद आप जितने भी पैच चेंज के बजाना है बजाओ एकदम मस्ती में, कहीं भी जाओ। मेरे को खरीदना है। अरुण भाई लगा है जी, हाँ अरुण भाई भी लगे हैं, कैसे हो? बहुत बढ़िया है भरत बाघेल जी। लिमेश निषाद, क्या आपको पैच रियल पैड टैप का बजता है? हाँ भाई एकदम बिल्कुल रियल पैड की तरह बजता है, ठीक है। मैंने कुछ कुछ पैच ऐसे भी हैं जो मैंने बैकअप भी लिया है, कुछ पैच ऐसे हैं जिसको मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। बोलो लाइक करो, हाँ भाई भरत बाघेल लाइक कर दो। राकेश, कांटेक्ट कैसे करो भाई? कांटेक्ट नंबर 82-98-056-56-0 सेव कर लो, यही मेरा कांटेक्ट नंबर है। सचिन भैया, कीबोर्ड किट कितने में मिलेगा? कीबोर्ड का यही कितना, 250-300-400, जितना का कीबोर्ड लो, कोई भी कीबोर्ड ले सकते हो, वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ रूरल है या फिर होलसेल रेट में दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। यही 300-400 के रेंज में मिल जाएगा, 300-400-500 के रेंज में मिल जाएगा। और अभी वाला कीबोर्ड का है या सेंसर वाला? अरुण भाई मैं बता दूं, अभी वाला जो मैंने बनाया है ये कीबोर्ड का है, ठीक है, सेंसर वाला नहीं है। हाँ ठीक बोल रहा हूँ भरत बाघेल, GPA तो केशव यादव, धन्यवाद भाई, हमारे देश को आगे बढ़ाओ, बस यही दुआ है। तो केशव यादव, जरूर भाई क्यों नहीं, आप भी बनाते हो, बाय। तो केशव यादव बाय बोल रहे हैं, ठीक है। तो केशव यादव जी आप आए लाइव में चैट किए, बहुत अच्छा लगा, और भी जो भी लाइव पे हैं वो भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, सभी से बात करके अच्छा लगता है। मेरा नंबर चाहिए भरत बाघेल भाई, मैं अभी यहाँ पे, मेरे पास कुछ भी ऐसे नहीं जहाँ मैं नोट करके रख लूँ, ठीक है, नंबर मेरा ही ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भैया किट का वायरिंग बता दो ना, किट का वायरिंग भाई, उसमें वायरिंग मैं अगर सब चीज़ बता दूंगा तो फिर परचेज लोग नहीं कर पाएंगे ना। मैं BSF से हूँ भाई। ओ BSF, BSF मतलब बिहार शरीफ आप कितने में सेल करोगे ऑक्टापेड को? ऋषभ फसल, ठीक है सर, ठीक है। अजीत LED, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोले हमारा जिला भी समस्तीपुर है और थाना मेरा अंगार घाट है,
समस्तीपुर से हमारा घर 21 किलोमीटर पड़ता है, और समस्तीपुर जब आइए तब हम आपको मिलेंगे, हम राजा भैया क्लास किए हैं। ओ अजीत एलईडी, आप राजा भैया से क्लास किए हैं ना, इसका मतलब क्या अजीत आप मुकुल को पहचानते हैं? मुकुल जो मुकुल जो ऑक्टापेड बजाते हैं, मुकुल को पहचानते हैं क्या अजीत एलईडी जो है? थैंक आर के चौधरी, हेलो हेलो भाई आर्मी। ओ तो केशव यादव जी आप आर्मी हो, बहुत अच्छा लगा, आप लोग आर्मी हैं और आर्मी मेरे वीडियो देख रहे हैं, देश के जवान को मेरा सलाम। ठीक है, बहुत खुशी मिलती है, अच्छे अच्छे लोग लाइव पे जुड़ते हैं। भाई राम तुड़ी तमिल टोन बनाओ, भाई मैं तो बिहार से हूँ और ज़्यादातर हिंदी गाने इधर बजती हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तिमली का पैच बनाने का, तिमली का बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हैं। आप कहाँ से हो अनिश यादव? मैं बिहार से हूँ, बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके भाई, बाय नाइट में बात करता हूँ। भाई आपको टाइम कहाँ मिलते हैं अरुण भाई, नाइट में क्या बात करोगे, आप तो खेत में रहते हो, खेत में रहते रहते बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, आप तो ऑक्टापेड भी बनाते हो अरुण एसपीडी। ठीक है भाई, आपसे बात करते हैं लाइव से जब ऑफ होते हैं तब, खाना खाने के बाद भरत बाघेल बात करनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर ले लीजिए 8298056560। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ और नंबर में दे रहा हूँ, ठीक है, और इस नंबर का कोई गलत यूज़ नहीं कीजिएगा, इन्हें की कॉल करके परेशान करें, जब कोई वर्क हो या फिर कुछ हो तब, और मैं भी तभी बात कर पाऊँगा जब मैं फ्री रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी और भी सारे काम रहते हैं, और एक यूट्यूब से किसी की ज़िंदगी नहीं कटती। ठीक है, जिसके लाखों लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं उसी का एक जीवन का आधार रहता है कि यूट्यूब से ही कमाएं, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं है लक्ष्य कि मैं यूट्यूब से ही कमाऊं। ठीक है ना, यूट्यूब से कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन में 20 रुपये भी मुश्किल से कमाई होती है, तो समझ जाओ कि ज़िंदगी कैसे कटेगी यूट्यूब के कमाई से। आप कहाँ से हो? ओके भाई, नाइट में बात करनी। हेलो सर, कैसे बनाते हैं? भाई कैसे बनाते हैं वो कैसे मैं बताऊं भाई, अभी कैसे बताऊं, मैंने तो बनाया तो बहुत मेहनत करके, इसको बनाने में 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी, उतने दिन की जो है सो एक दिन में कैसे हो पाएगा। जय हिंद तू केशव यादव जी, जय हिंद भाई। और अच्छा, BSF में हो तो आप, मतलब अभी कहाँ हो, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो केशव यादव जी? आप अपना ऑक्टापेड कितने में बेचोगे बनाया हुआ? ठीक है भाई, बनाया हुआ ऑक्टापेड बेचेंगे, लेकिन उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें 8298056560। ठीक है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर हमको कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद हम बताएंगे कि इसको कितने रुपये लगेंगे, क्योंकि आप जैसा देखें वो ऐसा नहीं रहेगी। ठीक है, इसको जैसे ऑक्टापेड जितना बड़ा साइज होता है वो इसी इस तरह से हल्का स्लॉप किया हुआ रहता है, और उसमें वो सारे चीज़ लगाएंगे हम, इसमें स्टैंड वेस्टैंड लगाने वाला वो सारा सिस्टम लगाएंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी तो लगेगा हाँ एकदम बिल्कुल रियल जैसा इसका लुक है, इसको कलर भी करेंगे, लेकिन अभी तो इसको नहीं सेल करूँगा। ठीक है, फिर भी आप ले लो, ताकि अगर आप लोग देखते हैं पहले कितने ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर के हिसाब से मैं बनाऊँगा, चूँकि कैंप में हूँ यार, बहुत बढ़िया है कैंप में ना, ट्रेनिंग अभी चल रही है क्या कोरिया में? ओ कोरिया में भाई, ओ नाइस भैया प्रेमचंद पाकर, आप बनाए हो उसका प्राइस कितना है? भाई मैंने इसका कोई प्राइस अभी मैंने फिक्स नहीं किया है। ठीक है, मैंने अभी तक जोड़ा भी नहीं कि इसमें मेरे कितने रुपये इन्वेस्ट हैं, और ये अभी फुल कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसका एक सीट पे मैं बैठाया हूँ, इसका बॉडी तैयार करना भी बाकी है, एक बार बॉडी तैयार हो जाएगी तब फुल लुक मैं इसको दिखाऊँगा। ठीक है, ये मैंने डेमो दिखाया। हेलो भाई, क्या हाल है हर्षित कुमार? बहुत बढ़िया है भाई, आप अपना बताओ, आप बनाए हो उसका प्राइस, गुड लुक भाई, आप मोबाइल पर पैड बहुत अच्छा बजाए हो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और भी इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो भी संगीत से प्रेम रखते हैं उसको शेयर करें। ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं किसी को कहूँगा नहीं कि भाई आप सब्सक्राइब